ये शायद अच्छा था बुरा था पता नहीं, इन्होंने कहा कि ये जो ब्लू टिक है ना ये मुट्ठी भर लोगों को नहीं दूंगा, ब्लू टिक का पैसा दो $8 मेरे को, $8 लगभग 660 रुपए 650 महीने का 650 रुपए दो और कोई भी ब्लू टिक लेके जाओ, अब मुझे नहीं फर्क पड़ता है आप रिक्शा चलाते हो या आप पार्लियामेंट में बैठते हो, सब बराबर हो, मैं जो 650 रुपए देगा मैं उसे ब्लू टिक दूंगा। अब देखो हो सकता हो ये सोच अच्छी हो, वैसे तो पैसा कमाने का भी इसके पीछे रीजन था कि पैसा भी आएगा मुनाफा आएगा, पर दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि मान लो जैसे ही ये प्रोसेस शुरू हुआ, जब ये चीज शुरू हुई तो जैसे मान लो मैंने एक आईडी बना ली अमिताभ बच्चन के नाम की, मैंने पैसा दे दिया, अब जल्दबाजी में इन्होंने वेरीफाई कर दिया, अब मैं अमिताभ बच्चन बन के अलग अलग फिल्म स्टार को गालियां बक रहा हूं, है ना। तो इस तरह की बहुत सी हरकतें हुई, जैसे एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं कि पेप्सी का एक वेरीफाइड अकाउंट है, टिक लगा हुआ है और वो क्या लिख रहा है, कोक इज बेटर, वो लिख रहा है कोको कोला पियो, कोको ज्यादा अच्छी है। अब भाई जो पढ़ेगा उसे क्या लगेगा, हाँ कोको कोला ज्यादा अच्छी है, पेप्सी वाला भी कोको कोला कह रहा है तो कोको कोला ज्यादा बिकने लगेगी,